वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओएआरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज हम पढ़ेंगे माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जितने मेन माउंटेन पासेस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उसको चलिए देखेंगे। पास का नाम देखेंगे, एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोहतांग। रोहतांग जिसका एल्टीट्यूड है 3979 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, लोकेशन है इसकी ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल रेंज एंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। ठीक है, मनाली से 51 किलोमीटर जो कि पीर पंजाल रेंज के ईस्टर्न साइड पे ये लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इट कनेक्ट्स कुल्लू द लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द रोड एक्सेस इज़ वेरी गुड एंड वॉज बिल्ड बाई BRO दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रोहतांग ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल रेंज, 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, कनेक्ट्स कुल्लू विथ लाहौल एंड स्पीति वैलीज एंड डेवलप्ड बाई BRO। ठीक है, तो ये हो गया रोहतांग। तूजू पास की बात करें, ये मणिपुर में है एंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार इन द साउथ ईस्ट ऑफ मणिपुर। थ्रू दिस पास द रूट गोज टू म्यांमार। ठीक है, तो ये आपका मणिपुर से म्यांमार को कनेक्ट करता है तूजू पास। जोजी ला की बात करें, ला का देखिए क्या मतलब होता है, ला मतलब होता है पास। ठीक है, जोजी ला मतलब जोजी पास। ठीक है, जिसका सी लेवल पे एल्टीट्यूड है 3529 मीटर, लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर इन द जास्कर रेंजेस एंड ज्वाइन श्रीनगर विथ कारगिल एंड लेह लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है इसलिए ये दिसंबर टू मिड मे ये क्लोज रहता है। ठीक है, एंड बिकॉन फोर्स ऑफ BRO मेंटेन्स द रोड, BRO इस रोड को मेंटेन करता है, रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज नेशनल हाईवे NH1D। ठीक है, ठीक है, इसको अभी जल्दी ही नेशनल हाईवे NH1D इसको जो है डिक्लेयर किया गया है और अब सेंटर हैज़ अप्रूव्ड ₹6,809 करोड़ टू बिल्ड एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल जोजिला पास टनल which will reduce the travel time between Srinagar and Leh to 15 minutes from 3.5 hour. ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल ने भी लगभग 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि जो आपका श्रीनगर से लेके लेह तक का जो ट्रैवल टाइम था उसको 3.5 घंटे से 15 मिनट पे कर दिया जाएगा जब ये जोजिला टनल जो है पास टनल ये बन के तैयार हो जाएगी। तो श्रीनगर से लेह जाने का टाइम 15 मिनट कर दिया जाएगा, पहले अभी इस समय क्या है 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जोजिला याद रखिएगा जम्मू कश्मीर जास्कर रेंज में है ये। ठीक है, आगे है ट्रेल्स जिसकी ये है, इसकी लोकेशन ही ये है कि 5212 मीटर, सिचुएटेड एट द एंड ऑफ पिंडारी ग्लेशियर इन द पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा पिंडारी ग्लेशियर, इट लिंक्स पिंडाली वैलीज टू मिलम वैली एंड वेरी स्टीप एंड रग टेरेन मेक इट अ डिफिकल्ट पास टू बी क्रॉस्ड। ठीक है, ये जो यहाँ पे रास्ता है ये बहुत ही रग्ड और वेरी स्टीप है। ठीक है, और ये पिंडारी वैली को मिलम वैली से कनेक्ट करता है, लिंक करता है ट्रेल। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है पिंडारी ग्लेशियर। थांगला की बात करें, थांगला मतलब ला मतलब वही पास, थांगला 5359 मीटर जो कि लद्दाख में है एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया आफ्टर खारदुंगला। मोटरेबल पास इंडिया सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन है इंडिया का, खारदुंगला है और खारदुंगला के बाद दूसरे नंबर पर है थांगला जो कि लद्दाख में है। ठीक है, फिर अगला है चांगला। चांगला जिसकी ये है हाइट मोर देन 5270 मीटर जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है और लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है,
फिर रोड लीड्स टू टाउन ऑफ तांगसे जो कि तिब्बत में है एंड पास हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू थांगला बाबा चांगला बाबा। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर भी है चांगला बाबा के नाम से, इसका नाम चांगला पास है जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है, ये लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है। देवसा पास की अगर बात करें एल्टीट्यूड है इसका 5,270 मीटर, हाई माउंटेन पास इन ग्रेटर हिमालयाज बिटवीन द कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लोकेशन देख लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, एंड पास प्रोवाइड इजियर एंड शॉर्टर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पिन प्रभाती पास रूट बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर दिहांग की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 4000 मीटर एल्टीट्यूड, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद मंडल है जो कि म्यांमार में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ये कनेक्ट करता है दिहांग। ठीक है, दीफू की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में ही है और ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार में म्यांमार से कनेक्ट करता है एंड इट इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, दीफू। इमिसला की बात करें तो एल्टीट्यूड है इसका मोर देन 4,500 मीटर्स, लद्दाख में है एंड लद्दाख से तिब्बत को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड डिफिकल्ट टेरेन है, स्टीप स्लोप्स भी हैं इसमें, इसलिए ये अपना ट्रैवल के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। ये लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है। खारदुंगला की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है मोर देन 6,000 मीटर, ये लद्दाख में लेह के पास लोकेशन में ये है और ये लेह से सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है खारदुंगला, याद रखिएगा लद्दाख लेह में है, ये लेह से सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है जिसका एल्टीट्यूड मोर देन 6,000 मीटर है। फिर है खुंजेराब, खुंजेराब जिसका एल्टीट्यूड मोर देन 5,000 मीटर, काराकोरम माउंटेन्स में है, लद्दाख में है एंड कनेक्ट लद्दाख टू सिकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, स्नो कवर्ड फ्रॉम नवंबर टू मिड में। ठीक है, ये जो है ये काराकोरम माउंटेन्स में है लद्दाख में, ये नवंबर से लेके मिड में तक बंद रहता है क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये लद्दाख को सिकियांग प्रोविंस है चाइना का, उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, लिखा पानी और लिपू लेक। ठीक है, नाम सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं करना है। लिखा पानी की अगर बात करें तो मोर देन 4,000 मीटर इसका एल्टीट्यूड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है एंड इट ज्वाइंस द अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार, ओपन फॉर ट्रेड थ्रू आउट द ईयर। ये इसकी खास बात है कि ये ट्रेड के लिए थ्रू आउट द ईयर ये ओपन रहता है और अरुणाचल प्रदेश को जो मंडले रीजन है म्यांमार का वहाँ से कनेक्ट करता है। और वहीं लिपू लेक की बात करें तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है एंड इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत फैसिलिटीज द पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर लेक, इंडियाज इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो ये देखिए इसकी कई खास बातें हैं, जो मानसरोवर लेक वाला पिलग्रिम तीर्थ यात्रा होती है उसमें इसी दर्रे को पार करना रहता है लिपू लेक वाले को, और दूसरा जो चाइना के साथ ट्रेड है उसके लिए ये जो है लिपू लेक ये वाला जो दर्रा है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, माना पास की अगर बात करें, एग्जाम में पीसीएस में भी हाल ही के पीसीएस में 2023 पीसीएस में माना पास नीति पास यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसकी अगर बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 5,611 मीटर जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है एंड कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत। ठीक है, एंड इट रिमेन स्नो कवर्ड फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग द विंटर्स। ठीक है, मांगसाधुरा पास की बात करें तो 5,000 मीटर जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत एंड पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर क्रॉस दिस पास लैंडस्लाइड्स आर मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मांगसाधुरा पास की बात की जा रही है और मानसरोवर लेक जो पिलग्रिम है जो तीर्थ यात्रा होती है उसमें इसी दर्रे से होके जाना रहता है। ठीक है, और लैंडस्लाइड का यहाँ पे खतरा भी रहता है। साथ में अगला है मुलिंगला, मुलिंगला जो है ये सिचुएटेड नॉर्थ टू गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से तिब्बत को ये कनेक्ट करता है। नाथुला की बात करें, इसका एल्टीट्यूड है 4,310 मीटर जो कि सिचुएटेड एट इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम में,
इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम में नाथुला जो है सिचुएटेड है। इट फॉर्म्स एन ऑफ सूट फॉर द एंशियंट सिल्क रूट। इट इज़ वन ऑफ द थ्री ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इट वॉज रीओपेंड इन 2006 आफ्टर 1962 वॉर। जो 1962 वॉर हुई थी उसमें क्या हुआ था कि ये जो नाथुला दर्रा है जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे है इसको क्लोज कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको फिर से ओपन किया गया है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि जो एंशियंट सिल्क रूट था जो चाइना में हुन साम्राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, ये जो है ये दर्रा ये उसी पे स्थित है। ठीक है, तो इसकी अलग सिग्निफिकेंस है, इसका अलग इम्पॉर्टेंट है। तो इसको 2006 में फिर से रीओपन किया गया है, जो आपके कल्चरल एक्सचेंज, आपका गुड एंड सर्विस एक्सचेंज, आपके टूरिज़्म के लिए, आपके ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे थालघाट महाराष्ट्र में है। इट इज़ द मेन पास ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया जो है इसका ये मेन पास है। इट इज़ लोकेटेड एट द वेस्टर्न घाट दैट इज सह्याद्री एंड थ्रू दिस द मुंबई कोलकाता रूट पास एंड इट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक। ठीक है, तो ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पास है थालघाट महाराष्ट्र में। ये वेस्टर्न घाट के साइड में सह्याद्री पे स्थित है और यहीं से मुंबई कोलकाता वाला जो रूट है वो पास होता है, जाता है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये बताइए कि मुंबई जो है वो किस मतलब द्वीप पे या किस चीज़ पे वो स्थित है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे है नीति की अगर बात करें नीति पास की, तो इसका एल्टीट्यूड है 5068 मीटर जो कि उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार नीति पास माना पास। ठीक है, पांगसाउ पास की अगर बात करें जिसका एल्टीट्यूड मोर देन 4000 मीटर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश से मंडले म्यांमार को कनेक्ट करता है। ठीक है, पेंसिला की बात करें तो मोर देन 5000 मीटर जो कि लद्दाख में है और ये कश्मीर वैली से कारगिल यानी लद्दाख को कनेक्ट करता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कश्मीर वैली से कारगिल लद्दाख को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, तो ये है पेंसिला। ठीक है, पीर पंजाल की बात करें तो 3494 मीटर, इट इज़ सिचुएटेड एट द पीर पंजाल रेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि श्रीनगर में। ये ट्रेडिशनल पास है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर का एंड इट प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट सॉर्टेड मेटल रोड एक्सेस बट वॉज क्लोज डाउन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको सब कॉन्टिनेंट का जब पार्टीशन हुआ तो भी इसको क्लोज कर दिया गया और ये जम्मू और कश्मीर के बीच का ट्रेडिशनल पास है। भोरघाट की बात करें तो ये भी देखिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी सह्याद्री रेंज पे है जैसे कि आपका वो भालघाट था। ठीक है, और इट दिस पास बिटवीन द कर्जत एंड कंडला स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पासेस थ्रू मुंबई पूना रूट। ठीक है, वो वाला था जो वो था पहला वाला भालघाट, वो मुंबई कोलकाता रूट था। भोरघाट जो है ये मुंबई पुणे रूट है। ठीक है, जो कि मुंबई को जो भी और साउथ इंडियन सिटीज़ हैं उनसे कनेक्ट करता है। काराताक की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 5540 मीटर जो कि काराकोरम माउंटेन्स पर सिचुएटेड है एंड द हाईएस्ट पास ऑन एंशियंट कैरावन रूट बिटवीन ले एंड यारकंद इन तमीर बेसिन। ठीक है, ये भी जो है ग्रेट सिल्क रूट पे ही पाया जाता था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पास है आपका बोमडीला। बोमडीला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जिसका एल्टीट्यूड 4331 मीटर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो भूटान के ईस्ट में पूरब में ग्रेटर हिमालयाज में ये सिचुएटेड है। ये अरुणाचल प्रदेश को लासा यानी जो तिब्बत की कैपिटल है उससे कनेक्ट करता है बोमडीला। याद रखिएगा अरुणाचल, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद लासा। फिर है सेन कोट्टा गैप। ठीक है, जिसका एल्टीट्यूड मोर देन 4300 मीटर्स है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इट इज़ द गेटवे टू साउदर्न तमिलनाडु एंड केरला। सदर्न तमिलनाडु को केरला से कनेक्ट, ये उनका प्रवेश द्वार है। ठीक है, सिपकीला की बात करें तो 3930 मीटर पे सिचुएटेड हिमाचल प्रदेश में है जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत नेशनल हाईवे 5 से कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडो चाइना बॉर्डर पे स्थित है और रिवर्स जो सतलज है वो इसी से फ्लो होती है, इसी से निकलती है सिपकीला। याद रखिएगा इंडो चाइना बॉर्डर पे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत और नेशनल हाईवे 5। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। अगला है बनिहाल। बनिहाल दर्रे की अगर बात करें बनिहाल पास की तो 2835 मीटर एल्टीट्यूड, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज और नेशनल हाईवे 1A। ठीक है,
एंड विच इज नंबर्ड एज नेशनल हाईवे 44। ठीक है, इट ज्वाइन जम्मू विद श्रीनगर एंड इट वॉज द जवाहर, इट हैज जवाहर टनल जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है एंड टनल वॉज इनाग्रेटेड इन दिसंबर 1956। एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जवाहर टनल जो है इसकी लंबाई और दूसरा कि कौन सा जो पास है उस पर ये सिचुएटेड है, तो बनिहाल पास याद रखिएगा, बनिहाल पास नेशनल हाईवे 1A नंबर्ड एज नेशनल हाईवे 44, जवाहर टनल जिसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर वो इस पर सिचुएटेड है, ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ठीक है, बुरजेल की अगर बात करें जिसका एल्टीट्यूड मोर देन 5000 मीटर है, ये श्रीनगर को किशनगंगा वैली से कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द देवसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख। ठीक है, और ये क्लोज है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, विंटर में काफ़ी बर्फ़ वगैरह यहाँ पे गिरती है इसलिए ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इसको जाड़े में बंद कर दिया जाता है। अघिल पास की बात करें, एग्जाम में पूछा गया है बार बार, 5000 मीटर एल्टीट्यूड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ K2 इन काराकोरम, K2 काराकोरम रेंज में इसी के नॉर्थ में ये सिचुएटेड है एंड ये लद्दाख को सिनकियांग जो प्रोविंस है चाइना का उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, विंटर्स में ये बंद रहता है नवंबर से मिड मई तक, फर्स्ट वीक ऑफ मई या मिड मई बोल लीजिए। फिर बारालाचा की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है जो कि मनाली और लेह को कनेक्ट करता है बारालाचा। ठीक है, और नवंबर से मई तक स्नो कवर्ड रहता है। पालघाट या फिर पलक्कड़ की अगर बात करें जिसका एल्टीट्यूड सिर्फ 140 मीटर है जो कि केरला के साउथ में है। ठीक है, सेंट्रल केरला में है। ठीक है, एंड पालघाट इज़ अ लार्ज पास इन वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, इट इज़ द मेन पास ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कनेक्टिंग केरला विद तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये केरल को तमिलनाडु और कर्नाटका से कनेक्ट करता है पालघाट। सिपकीला की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, इसको सिपकीला या सिपकी पास बोलते हैं जो कि मेजर पास है हिमालयाज में, इट कनेक्ट कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इन इंडिया विद द जांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नगारी डिपार्टमेंट ऑफ तिब्बत। ठीक है, बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला जो है उमिंगला है आपका लद्दाख में जिसका एल्टीट्यूड है 5882.64 मीटर, इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। ठीक है, ये हमने देखा था उमिंगला क्या है, लद्दाख में है, ये सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है इंडिया का, इट कनेक्ट्स लेह टू द पेंगोंग लेक एंड इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2021। ठीक है, लेह को पेंगोंग लेक तक से कनेक्ट करता है और लनकला जो है, लनकला लद्दाख रीजन अक्साई चिन में है जो कि लद्दाख और लासा को कनेक्ट करता है। तो ये हमने देख लिए इम्पॉर्टेंट जो हमारे ये पास हैं इंडिया के। ठीक है, आगे देखिए आपका आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही साथ आपकी APS की भी वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा आपका उत्तराखंड PCS, MP PCS और आपका मिड समर में UP PCS भी होगा और अक्टूबर लास्ट में आपका UP SSSC का पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप के मटेरियल हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो GK GS के लिए कहीं पे भी ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।